हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का टूथलेस, जो कि एक काले रंग का ड्रैगन है, वो अपने मजाकिया अंदाज, एक क्षतिग्रस्त हो चुका पूंछ और अपने मालिक के प्रति वफादारी और सबसे खास अपने नीले रंग की छोड़ी जाने वाली ब्रेथ के लिए जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, फायर का सबसे हॉट जोन नीले रंग वाला हिस्सा होता है, क्योंकि इस हिस्से में कार्बन का पूरी तरह से कंबसन हो जाता है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो टूथलेस नामक इस ड्रैगन के ब्रेथ में इतनी गर्मी होती है जो किसी को भी पिघला दे। लेकिन टूथलेस बस यही सीमित नहीं है। भले ही यह जानवर आकार में छोटा है, पर इसकी अच्छी बुद्धि, बेहतरीन फ्लाइट और साहस बड़े बड़ों को झुका देती है। पर क्या उन बड़ों की लिस्ट में गॉडज़िला का नाम आ सकता है? आप जानते हैं, इमारत के आकार जितना विशाल जी-मैन अपने ताकत, साहस, एटॉमिक ब्रीथ और अच्छी हीलिंग फैक्टर के लिए मशहूर है। पर क्या इसकी हीलिंग फैक्टर टूथलेस नामक इस ड्रैगन के सामने काम आएगी, या गॉडज़िला का गुस्सा टूथलेस के सभी दांत को निकाल कर रख देगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। साल 2010 में आई एनिमेटेड मूवी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में हमें ये दिखाया जाता है कि बर्क नामक एक गांव में वाइकिंग्स के पूरे समुदाय एक साथ रहा करते हैं, पर ड्रैगन द्वारा हुए हमले से पूरे गांव में उथल पुथल मच जाती है, जो जन्म देती है एक ऐसे संघर्ष को जहां सभी वाइकिंग्स का एक ही मकसद बनता है, सभी ड्रैगन्स को मारना। इसलिए बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि ड्रैगन को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसे कैसे मारा जाए। पर हिकप नामक एक पतला सा लड़का पहली बार नाइट फ्यूरी यानी टूथलेस से मिलने के बाद ये समझ जाता है कि सभी ड्रैगन तो बदमाश नहीं होते, इनमें हम जैसे ही बुद्धि होती है और हम जैसे ही संवेदनाएं होती है, और इनका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इसलिए हिकप पूरे गांव को ड्रैगन को ट्रेन करना इस मकसद से सिखाता है कि इंसान और ड्रैगन एक साथ रह सके। वहीं इस अमेरिकन एनिमेटेड मूवी के 4 साल बाद हम जी मैन की मूवी गॉडज़िला को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एक विशालकाय मॉन्स्टर को देखकर इंसान अपने अस्तित्व पर सवाल करना शुरू कर देते हैं और गॉडज़िला नामक मॉन्स्टर को मार गिराकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। पर बाद में इंसानों को पता चलता है कि भले ही गॉडज़िला विशाल आकार का एक मॉन्स्टर है, लेकिन इसका दिल उतना ही विशाल है। यह हम इंसानों को नुकसान नहीं बल्कि बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि इंसान अब मॉन्स्टर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी बात चाहे ड्रैगन की हो या फिर मॉन्स्टर की, ये इंसानों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर चूंकि हमें दोनों को लड़वाना है, इसलिए सबसे पहले बात करें टूथलेस नामक ड्रैगन की, तो इसे नाइट फ्यूरी स्पीसीज का आखिरी वंशज या आखिरी प्रजाति माना जाता है। नाइट फ्यूरी पूरे ड्रैगन के प्रजाति का सबसे अकलमंद, शक्तिशाली, फुर्तीले और गुप्त ड्रैगन होते हैं। दिखने में भले ही ये महज 20 फीट विशाल और 50 फीट विशाल पंखों वाले ड्रैगन होते हैं, पर इसकी काली त्वचा रात के वक्त इसे मौत ही बना देती है। इसकी शांत चाल को भांप पाना भी हर किसी के बस का नहीं होता। इसके मुंह से निकलने वाली नीली रोशनी चीजों को राख में बदल देती है। और जिस प्रकार गॉडज़िला जब पूरी तरह से चार्ज होकर हमला करता है, तब इसके डॉर्सल ग्लो करने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार टूथलेस के पीठ के ऊपरी हिस्से भी पूरी तरह से चमक उठती है जब ये हमला करने वाला होता है। टूथलेस के फुर्ती का कोई जवाब नहीं, ये बिजली की रफ्तार से उड़ सकता है। हालांकि शुरुआत में इसकी टेल विंग घायल हो चुकी थी, इसलिए हिकप का सहारा इसके लिए काफी जरूरी था। पर बाद में नाइट फ्यूरी अपनी उड़ान इस प्रकार भरता है जिसका मुकाबला दूसरा कोई अन्य ड्रैगन नहीं कर सकता। ये एकमात्र पहला ऐसा ड्रैगन है जिसने कई सौ फीट विशाल मॉन्स्टर ड्रैगन को न सिर्फ उड़ने के मुकाबले में हराया, बल्कि अपनी नीली रोशनी से उस मॉन्स्टर ड्रैगन की रोशनी हमेशा के लिए बुझा दी, इसलिए इसका आकार मायने नहीं रखता। वही बात करें गॉडज़िला की, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि शुरुआत में ये एक प्री हिस्ट्रिक सी क्रिएचर था, पर परमाणु बमों की वजह से यह सी क्रिएचर एक रेडिएशन वाले मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। लगभग 400 फीट विशाल इस गॉडज़िला में इतनी ताकत आ जाती है जिससे यह सभी मॉन्स्टर को हराने की ताकत रखता है, इसलिए इसकी गिनती अल्फा मॉन्स्टर में की जाती है। गॉडज़िला अर्थ की थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी तथा लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को इतना ताकतवर बना सकता है जो चाहे तो पल भर में पूरे शहर का सफाया कर दे।
पर हम देख चुके हैं कि फुल चार्ज होने के बावजूद भी इसने सिर्फ किंग गिद्दोरा का ही अंत किया। इसलिए इसमें इतनी समझदारी है कि गुस्सा हो जाने के बावजूद भी यह हमेशा सही फैसला लेता है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि गॉडज़िला काफी अकलमंद है। यह भले ही अंतरिक्ष में उड़ नहीं सकता, इसके बावजूद भी इसने उड़ने वाले म्यूटोस, रोडैन तथा मॉन्स्टर जीरो को मार गिराया है। ऐसी स्थिति में अगर गॉडज़िला और टूथलेस दोनों एक ही यूनिवर्स में होते और किसी प्रकार गॉडज़िला को इतना भनक लग जाता कि टूथलेस नामक नाइट फ्यूरी इतना शक्तिशाली है जो इंसानों को काफी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे में गॉडज़िला इसे मार डालना चाहता। पर हर वक्त चीजें सामान्य नहीं होती, ऐसे में असामान्य से ड्रैगन को मार पाना जी मैन के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि टूथलेस एक छोटा सा आकार का ड्रैगन है, इसलिए ये कभी भी जी मैन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कभी भी नहीं उलझेगा। और ना ही गॉडज़िला इतना कायर है जो इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चुनौती दे, क्योंकि झुककर लड़ना ये गॉडज़िला को पसंद नहीं। दोनों के बीच की लड़ाई बस आग बरसाने को लेकर होगी और शायद इस बैटल में गॉडज़िला को परेशानी हो सकती है, क्योंकि धरती पर रहकर एक उड़ते हुए छोटे से टारगेट पर फोकस कर पाना इतना भी आसान काम नहीं है। हालांकि अगर गॉडज़िला टूथलेस पर अपना पहला अटैक करता है तो नाइट फ्यूरी अपनी सतर्कता और फुर्ती की वजह से बच जाएगा, पर टूथलेस एटॉमिक ब्रीथ की गर्मी को भांप कर यह समझ जाएगा कि गॉडज़िला की एक भी बीम इसकी जान ले सकती है। इसलिए जीमेन के नजदीक होना यानी मारा जाना, पर दूर रहने पर गॉडज़िला के कई बीम से बचा जा सकता है। पर चूंकि टूथलेस सिर्फ बचना नहीं जानता बल्कि बड़ी ही चतुरता से इसे हमला करना भी आता है, इसलिए ये बचकर पीछे से गॉडज़िला पर हमला कर सकता है। पर गॉडज़िला की चमड़ी इस हद तक मजबूत है जो टूथलेस के कई प्लाज्मा ब्लास्ट को सह सकती है, और छोटे तथा फुर्तीले होने पर टूथलेस का ये फायदा है कि ये गॉडज़िला को इतना थका सकता है कि ये दोबारा एटॉमिक ब्रीथ शूट न कर सके। लेकिन ये काला ड्रैगन जब भी एटॉमिक ब्रीथ को डॉज करेगा इसकी एनर्जी भी उतनी खत्म होगी, इसलिए एनर्जी को रीगेन करने के लिए टूथलेस दूर कहीं जाकर आराम करने की सोचेगा। पर गॉडज़िला यूं ही नहीं बैठ सकता, ये भी टूथलेस का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएगा। वैसे आपको पता ही होगा कि गॉडज़िला के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे ये किसी भी प्रकार के मॉन्स्टर का लोकेशन ढूंढ लेता है, पर भारी शरीर होने की वजह से गॉडज़िला की कदमों की आहट टूथलेस को अलर्ट करवा सकती है। लेकिन गॉडज़िला के आते आते नाइट फ्यूरी इतना चार्ज हो चुका होगा कि वो इस पर फिर से प्लाज्मा ब्लास्ट कर सके। यह सभी दिशाओं से गॉडज़िला पर हमला करेगा और किसी प्रकार टूथलेस को ये भनक लग गई कि इस बड़े पहाड़ के गिल्स पर हमला करने पर इसे हराया जा सकता है, तब टूथलेस अपने सारे अटैक्स गॉडज़िला के गिल्स पर ही फोकस कर देगा। और ये बात तय है कि प्लाज्मा ब्लास्ट अगर गॉडज़िला के गिल्स पर पड़ी तो गॉडज़िला को काफी परेशानी होगी। पर जिस प्रकार टूथलेस अकलमंद है, गॉडज़िला भी कोई बेवकूफ तो नहीं है। ये टूथलेस के उड़ान को थामने तथा अपने गिल्स को बचाने के लिए समंदर की ओर जाएगा, और समंदर में पहुंचते ही गॉडज़िला की रफ्तार तथा सरप्राइज अटैक को मैच कर पाना टूथलेस का बस का नहीं। हालांकि आसमान में उड़ते वक्त ये समंदर से हो रहे हमले से भी बच सकता है, लेकिन करीब जाकर गॉडज़िला पर हमला करने की तरकीब अब काम नहीं आएगी, क्योंकि गॉडज़िला करीब आए टूथलेस पर अपने विशाल टेल से हमला कर सकता है और उसे पानी में डुबो सकता है। वैसे ये बात सच है कि टूथलेस को भी तैरना आता है, पर गॉडज़िला के रफ्तार को अब बीट कर पाना टूथलेस का बस का नहीं। यहाँ तक कि यह पानी से निकल भी जाए तो टूथलेस के शुरुआत की धीमी गति गॉडज़िला के एटॉमिक ब्रीथ को निशाने पर लगने से नहीं रोक पाएगा, और ये इफ बस समय का है क्योंकि अंत में टूथलेस मारा ही जाएगा। खैर, आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।